अपन अपनी पूरी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं करते, वी कन्वर्ट ओनली सम अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन टू वर्क, क्योंकि अगर हम पूरी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारी एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, सो वी विल डाई। ठीक है, जब एनर्जी जीरो तो इसका मतलब व्यक्ति तो जिएगा ही नहीं, फिर तो खत्म हो जाएगा, तो इसलिए हम हमारी टोटल एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करते हैं। देयर इज सर्टन अमाउंट ऑफ अवेलेबल एनर्जी विच कैन बी चेंज इन टू वर्क, ठीक है, और वो जो सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच कैन बी कन्वर्टेड इन टू वर्क, कन्वर्टेड इन टू यूजफुल वर्क, दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज कॉल्ड फ्री गिव्स एनर्जी। इसलिए हमने यहां पर फ्री वर्ड भी यूज में लिया है। फ्री डजंट मीन दैट ये फ्री है, फ्री से मतलब है ये अवेलेबल है, ठीक है, ये जो एनर्जी है ये अवेलेबल है। तो इसी तरह से जो भी सिस्टम को हम कंसिडर कर रहे हैं, द सिस्टम विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, दैट पर्टिकुलर सिस्टम शुड हैव सम अमाउंट ऑफ अवेलेबल एनर्जी विच कैन बी चेंज इन टू वर्क, दैट एनर्जी इज कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि गिव्स फ्री एनर्जी क्या है, इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अवेलेबल एनर्जी लगा देते हैं ना, अवेलेबल एनर्जी विच इन अ सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, ठीक है, जिसको आप यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कह रहे हैं, गिव्स फ्री एनर्जी कह रहे हैं। और गिव्स फ्री एनर्जी को आप किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जी, इसको जी से डिनोट करते हैं। तो देखो, जिस तरह से आपने बाकी एंथैल्पी देखा है, इंटरनल एनर्जी देखा है, सो ऑल दोज प्रॉपर्टीज, ऑल दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो भी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, वो सबके सब स्टेट फंक्शन थी और उनका अपना अकेले का कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। जब उनमें चेंज होता है तो वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। तो सिमिलरली ध्यान रखें कि जी जो है, जी इज अ स्टेट फंक्शन, जो जी है, यानी गिव्स फ्री एनर्जी जिसको हम कह रहे हैं, इट इज अ स्टेट फंक्शन, ये एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है, साथ ही साथ ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, इट इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है। लेकिन जैसा भी हमने कहा है कि ये एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन मीन इट डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ सिस्टम, सिस्टम के स्टेट पर डिपेंड करता है। अगर स्टेट चेंज होता है तो डेफिनेटली उसकी जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको हम यूं समझ सकते हैं कि जैसा मैं कह रहा हूं कि ये एक स्टेट फंक्शन है, तो स्टेट चेंज होने से ये चेंज होगा। सपोज हमारे पास में एक सिस्टम है, ठीक है, और सिस्टम जो है, अगर वो मान लीजिए आपके पास में एक ए स्टेट में है, देन ए स्टेट से वो बी स्टेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो यहां पर स्टेट है, ये ए स्टेट है और ये आपके पास में बी स्टेट है, एंड व्हेन अ सिस्टम चेंज इनटू ए स्टेट टू बी स्टेट, तो इसकी गिव्स एनर्जी अगर हम मान रहे हैं कि जी ए है और इसकी गिव्स एनर्जी मैं जी बी कंसिडर कर रहा हूं, तो अगर मैं बात करूं चेंज इन गिव्स एनर्जी की, तो चेंज इन गिव्स एनर्जी क्या होना चाहिए, क्योंकि स्टेट फंक्शन है, दैट्स व्हाई हाउ कैन वी कैलकुलेट द गिव्स एंड फ्री गिव्स एनर्जी, चेंज इन फ्री गिव्स एनर्जी, तो हम फाइंड कर सकते हैं कि फाइनल गिव्स एनर्जी में से आप इनिशियल गिव्स एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इनके सब्ट्रैक्शन से जो आपके पास में आएगी वैल्यू, दैट विल बी डेल जी, ठीक है, और डेल जी क्या आपके पास में चेंज इन फ्री गिव्स एनर्जी, फ्री गिव्स एनर्जी में चेंज, ठीक है, और इसी का सिग्निफिकेंस है, क्योंकि जब भी कोई थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होता है तो उसमें डेफिनेटली कोई भी सिस्टम हो सकता है कि अपनी एनर्जी को रिलीज करे, तो उसकी गिव्स एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, हो सकता है कि वो एनर्जी को गेन करे तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो जो फ्री गिव्स एनर्जी है वो डिक्रीज या इंक्रीज हो सकती है जब उसकी स्टेट चेंज होती है, और चेंज होने के बाद जितना चेंज हुआ है इस फ्री गिव्स एनर्जी में उसको हम फ्री गिव्स एनर्जी कह रहे हैं, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको हम रिलेट भी कर सकते हैं, वी कैन रिलेट द फ्री गिव्स एनर्जी विद एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, एंट्रोपी और एंथैल्पी दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं,
तो अगर हम इसको रिलेट करते हैं, ठीक है, तो देखिए गिब्स एनर्जी इज रिलेटेड विद एच पी एंड एस। ठीक है, एच तो क्या हो गया, एंथैल्पी, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, इनसे रिलेट कर सकते हैं अपन इसको। तो हाउ कैन वी रिलेट इट, जी इक्वल्स टू एच, आपके पास में क्या है, एंथैल्पी है, माइनस पी एस, ये इनमें रिलेशन, इसकी डेरिवेशन नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट कि जो फ्री गिब्स एनर्जी है वो आपकी एंथैल्पी में से अगर हम टेम्परेचर और एंट्रोपी के प्रोडक्ट को सेपरेट करते हैं तो वो गिब्स एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि गिब्स एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है, तो डेफिनेटली वहां पर उसकी जो अगर जीवन स्टेट के लिए मैं फाइंड करता हूं तो उसकी एंथैल्पी अलग होगी, उसकी एंट्रोपी अलग होगी, ठीक है, और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर फाइंड कर रहा हूं। तो आप यहां देख सकते हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है, जीवन इक्वल्स टू अगर मैं देखता हूं तो इट विल बी H1 - P S1 लिखा जा सकता है इसको, ठीक है, और सिमिलरली और इसके बाद में स्टेट चेंज होने पर, ठीक है, ऑन चेंजिंग स्टेट अगर आप स्टेट को चेंज कर देते हैं तो डेफिनेटली यहां G की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो G2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H2 - PS2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मेरे को चेंज इन गिब्स एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है, आई वॉन्ट टू फाइंड द चेंज इन गिब्स एनर्जी में चेंज फाइंड करना चाह रहा हूं मैं, गिब्स एनर्जी, ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आई कैन फाइंड इट लाइक दिस, G2 - G1 = H2 - PS2, ठीक है, एंड माइनस में H1 - PS1, ठीक है, इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। ये G1 है आपके पास, ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेट की गिव्स एनर्जी, सेकंड स्टेट की गिव्स एनर्जी, और उसके लिए हमारे पास इनका रिलेशन है कि ये इसकी एंथैल्पी, ये इसकी एंट्रोपी, ये सेकंड स्टेट की एंथैल्पी और ये एंट्रोपी। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इन दोनों की जगह तो मैं डेल जी लिख सकता हूं, ठीक है, इन दोनों की जगह मैं डेल जी लिख सकता हूं, चेंज इन गिव्स एनर्जी, और यहां इसको सॉल्व करते हैं, H2 या ब्रैकेट को ओपन करके H1 को इधर ले आते हैं, -H1, ओके, देन फिर आप लिख सकते हैं माइनस, और यहां टी कॉमन है आपके पास में, H2 - H1, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो डेल जी इक्वल्स टू, इसको डेल एच लिख सकता हूं मैं, माइनस टी इसको डेल एस लिख सकता हूं। तो यहां पर एक इक्वेशन बन गई हमारे पास, और ये जो इक्वेशन लिख दी है बेटा हमने, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये बहुत अपने आगे काम में आने वाली है, इसका एक पर्टिकुलर नेम है, इसे कहा जाता है गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन का नाम ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, और ये जो गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है, इस इक्वेशन की हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन जो है या कोई भी सिस्टम में जो प्रोसेस हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप होगा या नहीं होगा, या हमको बाहर से उसको एक्सटर्नल कुछ फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उस सिस्टम को कैरी आउट कराने के लिए, ठीक है, तो उससे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। और एक्चुअली बेटा हाँ, आइडियल गैस के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आइडियल गैस के लिए फिर वहां पर वो टर्म चेंज हो जाती है, फिलहाल ये अपन आइडियल गैस के लिए यूज में नहीं ले रहे, हम लोग किसी भी रिएक्शन के लिए काम में ले रहे हैं, ठीक है, आइडियल गैस के लिए तो अलग कंडीशन हो गई, ये तो अपन जैसे कोई भी रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन के अंदर हम देख रहे हैं कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर उसकी एंथैल्पी और एंट्रोपी में क्या रिलेशन है, ठीक है, वहां अपन उसको आइडियल गैस से कनेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल, ये अभी बताएंगे बेटा, ये चीज अभी अपन इस चीज से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो अभी मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी कि जो हमारे पास ओके बेटा, एम आई ऑडिबल टू यू, बीच में कनेक्टिविटी का इश्यू आ गया था थोड़ा सा, आई थिंक ओके, यस चलिए ओके
लेट्स मूव ऑन। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है डेल जी की हेल्प से, ठीक है। तो असल ये इसी के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स सी स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी की बात करें। तो स्पॉन्टेनिटी की जब हम बात करते हैं किसी रिएक्शन के अंदर, तो जैसा अभी मैंने आपको बताया, एज आई एक्सप्लेन यू राइट नाउ, दैट डेलजी, डेलजी इज द चेंज इन गिव्स एनर्जी, चेंज इन गिव्स एनर्जी, गिव्स एनर्जी। और जो मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने ये कहा है कि गिव्स एनर्जी क्या है, इट इज इक्वल टू द अवेलेबल एनर्जी इन अ सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, ठीक है। गिव्स एनर्जी वो है जिससे कि हम, वो अवेलेबल एनर्जी किसी भी सिस्टम में जिससे हम वर्क करा सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई भी सिस्टम वर्क करता है, तो वर्क करने पर उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, बताइए बेटा। एनर्जी शुड डिक्रीज और इंक्रीज व्हाइल एनी सिस्टम इज परफॉर्मिंग अ वर्क, एनर्जी डिक्रीज होगी, डेफिनेटली डिक्रीज होगी, ओके। तो ये एनर्जी जो डिक्रीज होगी, ठीक है, तो वो एनर्जी उसको वर्क, मतलब जितनी एनर्जी डिक्रीज होगी उतना ही वर्क करेगा, ठीक है। सपोज मैं जो वर्क कर रहा हूं वो मेरी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रही है, तो डिक्रीज इन एनर्जी विल बी इक्वल टू यूजफुल वर्क परफॉर्म, यूजफुल वर्क उस यूजफुल वर्क के बराबर होनी चाहिए। तो इसे हम यू लिख सकते हैं, शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू यूजफुल, ठीक है। तो जो गिव्स एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, गिव्स एनर्जी वही तो अवेलेबल एनर्जी है जिसको कि हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जितना एनर्जी डिक्रीज होगी उतना ही यूजफुल वर्क होगा, बट क्योंकि एनर्जी डिक्रीज होगी, सो दैट्स व्हाई यहां पर मैं किसका साइन लगा सकता हूं, नेगेटिव साइन लगा सकता हूं, बिकॉज एनर्जी इज डिक्रीजिंग। तो डेल जी की वैल्यू अगर नेगेटिव हो रही है, दैट मीन्स इतनी एनर्जी डेल यानी चेंज इन एनर्जी, तो जो डेल जी जो है वो चेंज होती जा रही है, एनर्जी कम होती जा रही है, और जितनी एनर्जी कम हो रही है वो किसके इक्वल है, वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट होता जा रहा है, ठीक है। तो एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क जब ही होगा जब डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है। अगर मान लो आपको, मैं जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, हम एक सिस्टम है, ठीक है, और हमारी एनर्जी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, सो डू यू थिंक दैट वी आर परफॉर्मिंग अ वर्क, नो। अगर हमारी एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हम वर्क नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल कंज्यूम कर रहे हैं, हम लोग कैलोरीज कम कंज्यूम करते जा रहे हैं, कंज्यूम करते जा रहे हैं और वर्क नहीं कर रहे, तो हमारी एनर्जी बढ़ती जाएगी, हमारी बॉडी में जो फैट है वो स्टोर होता जाएगा केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। फिर आप वर्कआउट करेंगे, आपने रनिंग किया, आपने एक्सरसाइज किया, आपने जिम किया, तो क्या होगा, जो एनर्जी स्टोर है उसको आप मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो फैट है, ठीक है, जो कैलोरीज आपने स्टोर की अपनी बॉडी के अंदर, वही तो एनर्जी है, तो वो धीरे 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 फैट बर्न होता जाएगा, और आप उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते जाओगे, उस एनर्जी को आप कन्वर्ट करते जाओगे मैकेनिकल वर्क के अंदर। तो अब इसका मतलब, सीधा सा मतलब ये होता है कि आप जितना वर्क करते हैं उतनी एनर्जी कम होती जाती है, ठीक है। और इसका अपोजिट बोलूं तो मैं, जितनी एनर्जी कम होती जाती है उतना ही वर्क होता है, तो अगर वर्क हो रहा है तो एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो यानी डेल जी की वैल्यू अगर नेगेटिव हो रही है तभी वर्क होगा। तो अब एक चीज तो हमें, हाँ वो अलग मैं, वो हो गया बेटा कि हीट देने पर डेल जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो अलग मैटर हो गया, ठीक है। वो डेफिनेटली डेल जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है डेल जी क्या है, आपके पास में जो जी है वो गिव्स एनर्जी है, तो जब आप हीट देंगे किसी भी सिस्टम को तो एनर्जी बढ़ेगी उसकी, ठीक है, एक तरह से एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। अभी अपन एक बार स्पॉन्टेनिटी की बात कर रहे हैं ना, तो एक बार उस सेंस में अगर अपन देखते हैं, तो यहाँ तीन केसेस हैं। देखो केस वन क्या है कि अगर आपके पास डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है, तो अभी जैसा हमने कहा डेल जी नेगेटिव तो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है, दैट मीन्स द प्रोसेस फिर वो चाहे केमिकल प्रोसेस हो चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो, ठीक है, विल बी स्पॉन्टेनियस। तो वो प्रोसेस जो होंगे वो स्पॉन्टेनियस होंगे, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप प्रोसेस होने लग जाएगा, ठीक है। और केस सेकेंड ये है कि अगर डेल जी की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ कि डेल जी इंक्रीज होना, गिव्स एनर्जी इंक्रीज होना। तो अगर किसी भी सिस्टम में एनर्जी बढ़ रही है, दैट मीन्स वर्क नहीं हो रहा है, वो उस एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो जो प्रोसेस होगा, ठीक है, द प्रोसेस विल बी
विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस, जो प्रोसेस होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर अपन उसका रिवर्स कर दें तो ध्यान रखना, द रिवर्स प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। और उसका अगर रिवर्स प्रोसेस देखते हैं हम तो वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है, ठीक है। और केस थर्ड में आप देखो, अगर डेल जी की वैल्यू जीरो आ जाती है, ठीक है, डेल जी की वैल्यू जीरो का मतलब क्या है, न तो गिब्स एनर्जी इंक्रीज हो रही है और न ही गिब्स एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो उस केस में प्रोसेस जो है वो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर देगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रख लेना कि यहां पर आप कह सकते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग विल बी इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। तो ये तीन केसेस हैं, अभी अपन इनको एनालाइज करेंगे, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस के लिए अपन इसको अप्लाई करके देखेंगे कि कब ये प्रोसेस होगा, कब स्पॉन्टेनियस होगा, कब नहीं होगा। क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको जैसे कंडीशंस दे दी जाती है और पूछी जाती है कि बताओ कि अब ये प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है, स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, चलो देखते हैं उसको। ओके, देखिए, जैसे मान लीजिए हमें पता है कोई भी प्रोसेस है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक तो हम ये कह रहे हैं कि वो प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक हो सकता है और वो प्रोसेस एंडोथर्मिक भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस के लिए अगर मैं डेल जी की वैल्यू को देखता हूं कि डेल जी जो है वो कैसे इफेक्ट होगा, टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट होगा, तो एक बार उस चीज को कंसिडर करते हैं। तो देखिए, प्रोसेस को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट। एक हो गया एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, एंड अनदर वन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो पहले एक बार हम एक्सोथर्मिक की बात करते हैं। तो देखो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस किसको कहते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट को इवॉल्व किया जाता है, हीट बाहर जाती है। तो अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो मुझे बस इतना सा बता दो आप कि जो डेल जी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, डेल जी नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। अगर हीट इवॉल्व हो रही है, डेल एच की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट बाहर निकलती है, तो डेल एच की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। अब जरा मैं आप जो हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन हमने लिखी थी उस पर आ रहा हूं। तो हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन इज डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एच, ये अपने पास हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है जो अभी अपन ने देखी थी, जिससे हम डेल जी का रिलेशन देखते हैं, ठीक है। एक चीज और, इसमें एक एस भी तो है ना, तो एस को भी अपन को देखना पड़ेगा। तो एस क्या चीज होती है बेटा, एस होता है एंट्रोपी। तो आप देखो, एंट्रोपी मतलब है कि रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की रेंडमनेस को आप एंट्रोपी कहते हैं। तो अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, उस एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट बाहर निकल गई, दैट मीन्स उस सिस्टम की एनर्जी कम हो गई, तो पार्टिकल का मूवमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो वहां उस केस के अंदर ध्यान रखें, डेल एस की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। एंट्रोपी का मतलब डिस्टरबेंस, तो हम डिस्टरबेंस की बात कर रहे हैं। अगर किसी सिस्टम ने हीट बाहर निकाल दी तो उसकी एनर्जी जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब यहां पर अगर मैं ये वैल्यूज यहां पुट करता हूं, ठीक है, तो पुट करने पर आप देखो, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच की वैल्यू नेगेटिव रख रहा हूं मैं, डेल एच नेगेटिव, और आपके पास प्लस सॉरी माइनस टी, और डेल एस की वैल्यू जो है इसको भी नेगेटिव रख रहा हूं मैं, ठीक है, डेल एस की वैल्यू को भी नेगेटिव रख रहा हूं। और थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, डेल एच इक्वल्स टू, तो ये डेल एच प्लस टी डेल एच, ठीक है। अब यहां पर हम देखें कि अगर इस प्रोसेस में टेम्परेचर को बढ़ा दूं, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं तो इस प्रोसेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, इस चीज को समझना बेटा। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, यहां पर टी की वैल्यू को बढ़ा देता हूं, तो अब देखो डेल जी की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए या पॉजिटिव आनी चाहिए। तो यहां समझिए आप, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो डेफिनेटली टी डेल एस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और उस केस में आपके पास जो डेल एस की वैल्यू है
डेल एक्स विल बी स्मॉलर देन टी डेल एक्स। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, लगातार गर्म करते जा रहे हो किसी सिस्टम को, तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर यहां पर है, तो यानी टी और डेल एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी जो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू इससे ग्रेटर है, नेगेटिव वाली से ग्रेटर है। तो आपके पास डेल जी जो इनको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी, डेल जी की वैल्यू जो आएगी, तो डेल जी विल भी क्या आएगी आपके पास, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, डेल जी की वैल्यू क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव। और डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब प्रोसेस क्या हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। तो इससे क्या मतलब हुआ, इससे मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जो एक्सोथर्मिक है, जो हीट को इवॉल्व कर रहा है, और आप उस प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, तो क्या वो प्रोसेस अपने आप फास्ट होने लग जाएगा? नहीं, वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, बल्कि वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर स्पॉन्टेनियस होगा। और इस डायरेक्शन के अंदर तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप नहीं होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस जो एक्सोथर्मिक होते हैं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना चाहिए। अब अगर देखो मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं तो क्या होगा, ठीक है, टेम्परेचर को डिक्रीज किया मैंने तो डेफिनेटली टी की वैल्यू कम करूंगा, तो टी डेल एस जो है वो एस से लेस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं इसकी वैल्यू इस तरह से चेंज हो जाएगी कि डेल एच विल बी ग्रेटर देन टी डेल एस। अब जरा इसको देखिए इस इक्वेशन में कि अगर इसकी वैल्यू स्मॉलर है और इसकी वैल्यू ग्रेटर है, ठीक है, तो ये तो नेगेटिव साइन के साथ में, और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर आ गई, ठीक है, डेल एच की वैल्यू ग्रेटर आ गई, तो आपके पास इसको सॉल्व करने पर डेल जी की वैल्यू भी तो नेगेटिव आएगी, और डेल जी की वैल्यू नेगेटिव का मतलब प्रोसेस कैसा होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। ठीक है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि प्रोसेस कब स्पॉन्टेनियस और कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, कब प्रोसेस आगे बढ़ेगा तेजी से और कब वो बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इसलिए हमेशा हम लोग क्या टेम्परेचर को कम रखते हैं, अगर हमें उसे स्पॉन्टेनियस कराना है तो, और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, बल्कि बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगा। ठीक है, ऐसे ही अब अगर हम बात करते हैं किसकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन की, लेट्स डिस्कस अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट इवॉल्व होती है, ठीक है, सॉरी एब्जॉर्ब होती है। तो डेल एच की वैल्यू को अगर मैं एंडोथर्मिक के लिए फाइंड करता हूं, एंडो मीन्स इनटेक, ठीक है, हीट को वो अंदर ले रहा है, तो हीट को अंदर ले रहा है, तो जो एंथैल्पी चेंज है वो क्या होगा, इट विल बी पॉजिटिव, एंथैल्पी बढ़ जाएगी, क्योंकि एनर्जी तो अंदर आ रही है एंडोथर्मिक में, तो एंथैल्पी क्या होती है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट प्रेशर पर जो हीट है दैट इज एंथैल्पी, और कॉन्स्टेंट प्रेशर पर अगर कोई हीट को इनटेक कर रहा है, हीट को ले रहा है, दैट मीन्स उसकी एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगेन एंथैल्पी तो इंक्रीज हो रही है, अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखिए अपन कि हमने कहा था डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एच, ये अपने पास गिव्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन है। तो डेल एच को और देख लेते हैं अपन, तो अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट को कोई एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसमें पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई सिस्टम है, आपने उसको हीट दी, और जैसे आप उसको हीट देंगे तो पार्टिकल के जो सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम का जो पार्टिकल है सॉरी, तो वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करके और फास्ट मूव करने लग जाएगा। दैट मीन्स उसके लिए डेल एस की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई ना बेटा, रैंडमनेस बढ़ जाएगी, एंथैल्पी भी उसकी बढ़ जाएगी। अब ये इक्वेशन है आपके पास, अब आप क्या करते हैं, देखो केस फर्स्ट, आप टेम्परेचर को बढ़ाओ, टेम्परेचर को इंक्रीज करो, देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है ऐसी रिएक्शन में। अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो डेफिनेटली टेम्परेचर यहां पर है विद नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ में। तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो डेफिनेटली क्या होगा, यहां पर डेल एच विल मेक लेस देन टी डेल एच। ठीक है, डेल एच की वैल्यू टी डेल एच से कम हो जाएगी, क्योंकि टी इंक्रीज कर दिया है हमने, तो ये वैल्यू ग्रेटर हो गई है और ये स्मॉलर है। तो आपके पास डेल जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए इसको सॉल्व करने पर बेटा, बताओ पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, बताएं मुझे, वॉट शुड बी द वैल्यू, नेगेटिव आएगी, वेरी गुड। तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है, तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और हमने क्या कहा, अगर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है तो हमारे पास प्रोसेस कैसा होगा, प्रोसेस जो होगा हमारे पास, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, यानी ऐसे प्रोसेस अपने आप आगे बढ़ने लग जाएंगे, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे प्रोसेस, ठीक है,
जिसके लिए हमने कहा कि जो एक्सोथर्मिक है और अगर हम एंडोथर्मिक है और अगर अपन उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वो रिएक्शन फास्ट होने लग जाएगी, वो प्रोसेस फास्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, अब केस सेकेंड ले लेते हैं अपन, केस सेकेंड, केस टू। अब केस टू में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर को हमने डिक्रीज कर दिया। अब जैसे ही हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो इसका मतलब टी डेल एस की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी और डेल एस ग्रेटर हो जाएगा, तो डेल एस इज ग्रेटर देन टी डेल एस। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू कम हो गई है तो इसका मतलब साइन तो किसका लगाएंगे, जो ग्रेटर वैल्यू उसका साइन लगेगा, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो अब इसको सॉल्व अगर करता हूं मैं ये वैल्यू पुट करके तो डेल जी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, इट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर, तो यानी कम टेम्परेचर पर प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, उस प्रोसेस वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने लग जाएगा। तो इसका मतलब एक सिंपल सा ये हमारे को एक सिस्टम पता चल गया कि किसी रिएक्शन में अगर हीट इवॉल्व हो रही है और वो सिस्टम गर्म होता जा रहा है, मतलब रिएक्शन कराने पर वो सिस्टम गर्म हो रहा है, तो ऐसे सिस्टम में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन वापस बैकवर्ड जाने लग जाती है, और अगर कोई सिस्टम में एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है दैट मीन्स वो ठंडा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस के अंदर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो रिएक्शन फास्ट चलने लग जाती है या वो प्रोसेस फास्ट होने लग जाता है, स्पॉन्टेनियस होने लग जाता है, अपने आप आगे बढ़ने लग जाता है। सो दिस इज द, इसको हम इस क्वेश्चन को इस तरह भी लिया जा सकता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। ठीक है, तो इसको ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि राइट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्लियर बेटा, आगे चले। चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारे टेम्परेचर के इफेक्ट की। इसके अलावा इसमें ना और भी काफी पॉसिबिलिटीज हैं, अलग अलग कंडीशन में हम बता सकते हैं कि कब रिएक्शन पॉसिबल होगी, कब रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। चलिए वो भी देख लेते हैं अपन एक बार। ठीक है, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसके हम लोग, बाकी तो आप कंडीशन उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं अपन। ठीक है, सो लेट्स सी द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर कुछ केसेस ले रहे हैं हम, जैसे पहला केस हम ले रहे हैं, इफ डेल एच पॉजिटिव डेल एच पॉजिटिव। ठीक है, एंड डेल एच इज ग्रेटर देन डेल एस। ठीक है, इस तरह की कंडीशंस आती है बेटा, कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत आती है कि आपको कह दिया जाए कि किसी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है, और सपोज डेल एच की वैल्यू डेल एस से, ठीक है, डेल एस से ग्रेटर है, तो उस केस में आपको बताना है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, यस नीलम, वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग? ठीक है, लेट मी कंप्लीट इट। सो वी वर डिस्कसिंग दैट, हम यह बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए आपसे केस दे दिया गया कि डेल एच इज पॉजिटिव, डेल एच इज पॉजिटिव एंड डेल एच इज ग्रेटर देन डेल एस। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको ये बताना है टी डेल एस। तो उस केस में आपको ये बताना है कि हमारे पास में जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी या इक्विलिब्रियम में होगी। चलिए देखते हैं, तो इक्वेशन है डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एच, जिसको हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कह रहे हैं। तो अब यहां गौर करें आप, देखो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, अगर मैं ये पॉजिटिव वैल्यू यहां पर रख देता हूं तो आई डोंट थिंक कि कोई फर्क पड़ने वाला है इक्वेशन में। ठीक है, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन विल रिमेन सेम, इक्वेशन सेम ही रहेगी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सेम ही रही, कोई चेंज नहीं आया अपने पास साइन में। ठीक है, फिर आपको कहा है कि डेल एच की वैल्यू टी डेल एच से ग्रेटर है। अब अगर डेल एच की वैल्यू ग्रेटर है टी डेल एच के कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली इसको सॉल्व करने पर साइन तो पॉजिटिव का ही आएगा, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है और ये ग्रेटर है। ठीक है, तो डेल जी की वैल्यू जो है, द वैल्यू ऑफ डेल जी विल कम आउट टू बी पॉजिटिव, तो डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और उस केस में जो प्रोसेस आएगा हमारे पास वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस
ठीक है, वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, एक केस और ले लेता हूं बेटा, ना 2 मिनट लगेगी लेकिन वो हो जाएगा। तो अब देखो इसका अपोजिट कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको कहा गया इफ डेल एच नेगेटिव, ठीक है, डेल एच इज ऑल्सो नेगेटिव, और कहा गया कि डेल एच इज ग्रेटर देन टी डेल एच, ठीक है, अब चेंज कर दिया अपन ने केस। अब इस केस में आपको बताना है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। तो अगेन वो इक्वेशन लिखे आप, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एच, और एक बार ये साइन के साथ पुट कर दें इसको, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच नेगेटिव है, डेल एच नेगेटिव माइनस टी डेल एच भी नेगेटिव है आपके पास नेगेटिव, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लें तो क्या आएगा, देखो डेल जी इक्वल्स टू नेगेटिव डेल एच और माइनस माइनस प्लस टी डेल एच, ठीक है। अब ये कह रहा है कि डेल एच की वैल्यू टी डेल एच से ग्रेटर है, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर डेल एच की वैल्यू ग्रेटर है तो डेल एच पर तो नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब आपके पास जो डेल जी आएगा वो भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस केस में प्रोसेस क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर और भी केसेस आते हैं तो आई थिंक आप इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। ठीक है, हाँ बेटा बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हो? एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? बिल्कुल बेटा ये चीज आप बता सकते हो, ये आप किससे बताओगे, ये आप डेल एच से बताओगे। ठीक है, इसको देख करके बताओगे कि क्योंकि आपको यहां दिख रहा है कि डेल एच की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, दैट मीन्स इसकी एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, और एंथैल्पी डिक्रीज कब होती है, एंथैल्पी डिक्रीज उस टाइम पर होती है जब वो हीट को इवॉल्व करता है, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है, और यहां पर एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, उसको देख करके भी हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। बाकी डेल जी से तो आप केवल ये प्रिडिक्ट करेंगे कि रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, ठीक है, या इक्विलिब्रियम में। अगर यहाँ 0 आ जाता है, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, जैसे ये वाला केस ले लिया अपन ने, और यहाँ ऐसे कह दिया जाता है कि डेल एच इक्वल्स टू टी डेल एच, तो उस कंडीशन में सेपरेट करने पर डेल जी की वैल्यू 0 आती, और जब 0 आती तो हम बोलते हैं कि वहां इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और इसका मैं कोशिश करूंगा बेटा अब इसको आज ही अपलोड कर दूं मैं, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा वैसे ही। ठीक है, सो सी यू अगेन टुमोरो, बाय।